रहीम, आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो ये जो आलू कीमा, ये मेरे पास कीमा है 700 ग्राम है। तो उसमें ये दो आलू डालूँगी मैं, और ये एक टमाटर है, और ये तीन मिर्ची है, ग्रीन मिर्ची है, ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो अभी ये इसमें ये है ऑयल, ये 1 कप ऑयल है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक तेज़पत्ता, ये दो टुकड़ा दालचीनी का, ये इतना दो तीन छोटा छोटा, और ये दो मोटी इलायची है। लौंग भी है, काली मिर्ची भी है, लेकिन वो नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला हो जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून नमक है, ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये मैं एंड पे डालूँगी पकने के बाद। और ये जो है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची है, और 1 टीस्पून है मिर्ची पाउडर, और 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और ये भुना हुआ भुनी हुई सौंफ है, भुनी हुई कुटी हुई सौंफ है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें ये सूखा मसाला डाला, और ये अदरक और लहसुन कुटी हुई है, ये मैं जब भी प्याज थोड़ा ब्राउन होगा तो फिर उसके अंदर डालूँगी। तो अभी मैं ये प्याज डालने लगी हूँ, बिल्कुल आसान है, आप बहुत कम मसाले डालें, जितने कम हो सकते हैं उतने डालें। ये गोश्त है तो उसमें मैं ये थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ, तो बाकी ये मैं इतना नहीं डालती मसाला, खाली नमक मिर्च से मैं खाना बनाती हूँ, और थोड़ा सारा जो थोड़ा बहुत डालती हूँ वो भी ये कि थोड़ा बहुत थोड़ा डाल दूँ गोश्त में और बीफ में, ये मटन में चिकन में डालती हूँ, बाकी तो दाल सब्जी में मैं बिल्कुल कुछ नहीं डालती। अभी मैं जब भी लहसुन डालने लगूँगी ना, अदरक लहसुन कुटी हुई, फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा डाल होगा अभी मैं इसमें ये लहसुन अदरक का, तो 2 टेबल स्पून है ये भी डालने लगे, लहसुन और अदरक कुटी हुई, लहसुन ब्राउन हो गए, अभी मैं इसमें कीमा डाल के उसको ब्राउन करूँगा। अभी मैं इसको ब्राउन होने तक पकाऊंगी, जब ये सारा कीमा ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा कीमा बिल्कुल अच्छे से भुन गया, ये देखो बहुत अच्छे से भुन गया, इसकी खुशबू भी अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो अभी मैं इसमें ये नमक मिर्च डाल दूँगी, ये सौंफ डालूँगी 1 टीस्पून भुनी हुई है कुटी हुई, और ये 1-1 टीस्पून मिर्ची है दोनों उस किस्म की, और 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये 1 टेबल स्पून नमक, और ये मैं एंड पे डालूँगी, ये भुना हुआ ज़ीरा ना पक जाएगा फिर डालूँगी। अभी मैं ऐसे 5 मिनट भूनूँगी, तो फिर जब मैं आलू डालने लगूँगी ना, सॉरी टमाटर और आलू, फिर बताती हूँ। ये कीमा अच्छे से भून गई, अभी मैं इसमें ये डालूँगी टमाटर और ग्रीन मिर्ची, और मैं टमाटर के साथ ही आलू भी डालूँगी कि दोनों चीज़ें इकट्ठी भून जाए।
इनको भून के मैं अच्छे से फिर इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, चाहे ये गल जाए। आलू गल गए, पानी डालने के टाइम मैं आपको बता दूँ। माँ भून गया बहुत अच्छे से, भून गया कीमा, तो अभी मैं इस पर पानी डालूंगी। ये आलू गल गए, गरम पानी डालो, आलू डाल दें। उसके बाद मैं अभी इसको दम पे रखूँगी, तो फिर इसको उतारूँगी धनिया डाल के, सब्ज़ धनिया। फिर बाद में मैं अभी आलू डाल जाकर फिर डाल दूँ। अभी मैं इसको हल्के से दम पे रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखा दूँ बाद में। कीमा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें यह सूखा भुना हुआ जीरा डालने लगी हूँ। अब ये मैं इसमें धनिया डालने लगी, अब मैं इसको डिश ऑफ करने लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।